आंसर को प्रिसाइज मीनिंग वे में और लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट करना इज द की टू पास. ज्वाइन catestseries.org नाउ एंड क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट. This is Meenakshi Karwa and you're watching Tippett Tales. If you're new to my channel, please subscribe my channel and also press the bell icon ching 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 so that you get notified whenever I post a new video. So guys, considering the critical conditions of COVID-19 all over India, ICAI has taken a decision to postpone the CA exams indefinitely with a notice period of 25 days. So, ये कुछ नया है हमारे लिए, like postponing the exams without new dates. So, a lot of questions have come to me from students कि आप क्या करना है, हम लोग थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं क्या, या फिर पढ़ाई छोड़ भी नहीं सकते थोड़े टाइम के लिए, आपके हिसाब से एग्जाम वापस कब होगा, कोई तो एस्टिमेट होगा. सो उसके लिए आई थॉट कि ये वीडियो आना बहुत जरूरी है जहाँ पे वील डिस्कस कि अब नेक्स्ट क्या करना है. सबसे पहला स्टेप तो ये कि ये क्वेश्चन अपने दिमाग से निकाल लो, ये सोचना बंद कर दो कि एग्जाम कब होगा, एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि एग्जाम कब होगा वो छोड़ दो. आप ये सोचो कि आप May 21st को अगर एग्जाम होता तो उस हिसाब से आप कैसे प्रिपेयर करने वाले थे, आपके दो रिविजन प्लस एग्जाम के पहले का रिविजन, पास्ट पेपर्स वगैरह वो सब 21st में से पहले फिनिश हो जाता था एंड यू वुड बी रेडी टू गिव योर एग्जाम्स. अब क्या हुआ, जस्ट सिंस पोस्टपोनमेंट हो गया तो आपको समझो 15-20 days का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, तो वो टाइम को आपको एक और रिविजन में यूटिलाइज करना है. अब इससे क्या होगा, ये जो कोविड का टाइम है, ये जो लॉकडाउन का टाइम है या फिर पास्ट 1-2 months का टाइम है, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स भी अफेक्ट हुए हैं मेंटली फिजिकली. मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स से सुना कि हमको कोविड हो गया है, हम हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर बॉडी में वीकनेस फील हो रही है, उसकी वजह से क्या हुआ, पढ़ाई नहीं हो पाई है ठीक से, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिल गया है इन लास्ट 1-2 months की यार अब एग्जाम अगर 21st को हुआ तो हम प्रिपेयर नहीं है, नहीं दे पाएंगे. तो दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अब तक नहीं हुई थी, अब उनके पास चांस है कि वो वापस चार्ज अप होके अपना एक रिवीजन और एक्स्ट्रा करके ये इस बार एकदम स्ट्रॉन्ग कर लें कि भाई क्लियर हो जाएंगे. अब तक अगर आप पासिंग मार्क्स के लिए प्लान कर रहे थे, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो यू हैव टू शिफ्ट योर प्लानिंग टू एग्जेम्पशंस. आपको एग्जेम्पशंस के लिए प्लान करना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम मिला है जहाँ पे हम लोग एक बार फिर से अपना रिविजन करके, थोड़े एक्स्ट्रा पास्ट पेपर्स करके, थोड़े एक दो पेपर एक्स्ट्रा सॉल्व करके हमारा कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट अप कर सकते हैं. वो जब तक एग्जाम आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि भाई इस बार तो एग्जाम क्रैक होना ही है, एग्जाम लिखने से पहले ही हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए. उस तरह से ही एक्स्ट्रा डेज को यूटिलाइज करना है, ना कि ये सोच के कि भाई वो सब नेगेटिविटी नहीं लाने के, यार एग्जाम के डेट ही नहीं पता है, आप कितने टाइम तक पढ़ते रहेंगे ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं होगा. आपको कोई ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ना है, एग्जाम जून में हो जाएंगे, जून एंड तक हो जाएंगे, जब भी होंगे, जैसे ही कोविड एक बार का सेटल डाउन होगा, जैसे ही केसेस कम होंगे, सबकी हालत ठीक होगी, एग्जाम्स की डेट्स आ जाएंगी. और 25 डेज पहले तो आपको वैसे भी वो बताने वाले हैं कि एग्जाम की डेट क्या है, तो वो जो 25 डेज का वो टाइम है, वो आपका ये जो लास्ट के पास पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, आपको जो पेपर सॉल्व करने हैं, आरटीपीज है, वो एक लास्ट इन सब के रिविजन के लिए होना चाहिए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 25 डेज का टाइम मिला एंड नाउ वी आर प्लानिंग कि हमारा लास्ट रिविजन करना है. लास्ट रिविजन आपका ये पहले ही डेज में हो जाना चाहिए. जैसे ही 25 डेज का पीरियड मिलता है, आपको बस अपने आप को वो गियर अप करना है कि बस भाई अब लास्ट मौका है, एग्जाम जाके बैठना है, एग्जाम देना और क्लियर होना है. वैसे टाइप का सेल्फ ग्रूमिंग करना है, वैसे टाइप का प्रिपरेशन होना चाहिए आपको. तो बेसिकली ये वीडियो से मुझे ये एक ही मैसेज आपको कन्वे करना है कि पोस्टपोनमेंट की न्यूज से कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी कॉन्फिडेंस कम करने वाला थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए. इसको एक पॉजिटिव वे में लो कि अगर आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है तो वो अब ठीक से होगी, अगर आपकी पढ़ाई ऑलरेडी ठीक से हो गई है तो वो और अच्छे से होगी. तो बिल्कुल भी बोर हो रहा है वैसे वाले थॉट्स नहीं लाने. लास्ट फ्यू डेज बचे हैं, आपको अपना बेस्ट देना है एंड यू हैव टू डू योर फाइनल रिवीजन बिफोर द 25 डेज नोटिस कम्स टू यू एंड व्हेन द डेट्स आर फाइनलाइज्ड यू हैव दोस लास्ट डेज टू कवर अप योर पास्ट पेपर्स, योर आरटीपीस एंड यू हैव टू राइट एज मच एज पेपर्स यू कैन. राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो टेस्ट सीरीज लिखो, मॉक टेस्ट लिखो, जितना पेपर ज्यादा लिखोगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर एग्जाम्स. जस्ट टेक योर सेल्फ टू दीज डिफिकल्ट टाइम्स फॉर फ्यू मोर मंथ्स एंड जब वो रिजल्ट वाले दिन वो नाम के आगे सी ए लगेगा ना, तो यू विल फील कि ये जो कुछ आज फेस कर रहे हो, जो डिफिकल्ट टाइम्स आज फेस कर रहे हो, ये सब वर्थ है. ऑल दिस इज वर्थ
to get that happiness on that result day. So just stay tuned with this channel. आप मेरा Telegram channel join कर सकते हैं. You will get all the revision materials and all the stuffs you need for your preparation of exams. वहाँ पे मिल जाएगा. Link दिया description box में. And इसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई और help चाहिए तो do let me know in the comment box. I'll see you soon in my next video. Till then take care. Keep studying. All the best. Bye bye.